सभी को मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से, लारा की तरफ से, सबका अच्छा हो, भगवान सबका अच्छा करे। लारा, हैप्पी धनतेरस का जो, और बोलो सब लोग पटाखे ना जलाए। टाटा बाय बाय, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, लारा आप लोगों को कुछ मैसेज देना चाहती है जो मेरे ये कान में बता रही है। लारा सबको बोलो तुम क्या मैसेज दे रही हो। मैं ये मैसेज दे रही हूँ कि कोई भी पटाखा मत फोड़िए, प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ हाथ जोड़ के, आप लोग पटाखा मत फोड़िए। ये तो हमारे कान में बहुत आवाज आती है और हमें परेशानी होती है, और बहुत सारी चिड़िया हैं उनको भी परेशानी होती है, और सारे जानवरों को परेशानी होती है, और हम कई बार घर से निकल के भाग जाते हैं। तो मिठाई खाइए, हमको खिलाइए, दिए जलाइए, रोशनी कीजिए, फुलझड़ी जलाइए, गर्म मत करिए, छकरी जलाइए, पर पटाखा मत फोड़िए। थैंक यू। लारा बेइज्जती करवा रही हो, बेइज्जती करवा रही हो ना मेरी, बेइज्जती करवा दी ना बेइज्जती। मैसेज मैसेज दे दे दे, गुस्सा क्यों आने लग गया, बेइज्जती करवा रही हो ना ना ना, लारा का मैसेज हो गया। हे गाइस, कैसे आप लोग? आशा करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ, और आज एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। कैन यू गेस इट, कैन यू गेस इट, कैन यू गेस इट? यस, मेरे हस्बैंड आ रहे हैं और हम उनको सरप्राइज की तरह से रिसीव करने जा रहे हैं। उनको पता नहीं है कि हम लेने आ रहे हैं, और इंक्लूडिंग लारा भी जा रही है साथ में। तो बहुत मज़ा आने वाला है, वीडियो में बने रहिएगा। आप लोगों को मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। और आज बना है घर में बेसन का लड्डू, स्वागत में भाई। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं हम लोग? आशा करते हैं हम लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। अभी बजा है सुबह का 8:30, और मैं नीचे वॉक करके अभी बैठी हूँ, और आपको दिखाती हूँ कि धूप की ट्रेनिंग चल रही है वो दिखाती हूँ। लारा टहल रही हैं, मेरे हस्बैंड आ चुके हैं, तो लारा को घुमा रहे हैं, और धूप का ट्रेनर आया है, उसकी चल रही है ट्रेनिंग, वो मैं दिखाती हूँ भी आपको थोड़ी देर में। देखिए ध्रुव की एक्सरसाइज चल रही है, डिनर के साथ
गाइस कॉफी टाइम नहीं ग्रीन टी टाइम है और नीचे से वॉक करके आए हैं अभी ऊपर और अब अपनी ग्रीन टी लेके अपनी बालकनी में बैठी हूँ आराम से थोड़ी धूप ले रही हूँ। मैं भाई क्या नाम है इसका हाँ ये रख लिया बिल्ली को हमारे कुत्ते को हटा दिया लेके रखा नहीं है हाँ तब खाने के लिए आती है खाना खाएगी चली जाएगी बच्चे के पास बच्चे कहाँ है इसका बच्चा इधर ही दिया था लेके चली गई बाहर कुछ कुछ बच्चे कहाँ गए तुम्हारे हाँ बच्चे बच्चे बाहर लेके चली गई क्योंकि ये लोग बच्चे ये भी देते हैं ना हाँ। तो साथ घर ले जाते हैं ना अच्छा तो वो ऐसे लेके गई है मुंह में पकड़ के ले जाते हैं हाँ बच्चे तो ले जाते हैं नारायण स्काई खेल रहे देखो हाँ नारायण स्काई है हाँ नारायण पकड़ दो फ्रेंड्स आप लोगों को जैसे पता है मेरा नाम स्मिता त्रिपाठी है मैं मेरे हस्बैंड आर्मी में हैं तो मैं आपको बहुत वीडियोस दिखते रहते होंगे जिसमें मैं आर्मी से रिलेटेड काफ़ी बातें करती हूँ पर गाइस मैं आजकल किताबें पढ़ रही हूँ आर्मी के ऊपर बहुत सारी लड़ाइयों की बहुत सारी और मैंने बहुत नज़दीकी से इन चीज़ों को एक तो होता है हम देखते रहे इतने सालों से और बहुत सारी चीज़ों से मैं छोटी छोटी चीज़ों से परिचित हुई जिनसे पढ़ पढ़ के मेरी आंखों में कई बार आंसू भी आए और मुझे लगा कि हम कुछ नहीं कर पाते तो हम मैंने तो जैसे छोटी सी शुरुआत करी अपने घर से और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी छोटी सी शुरुआत करें एक तो हमारे बलिदानी शहीदों के नाम पे पेड़ लगाएं ये हम कर सकते हैं ज़रूर क्योंकि अगर देखें तो एक्चुअली हमारे नेशनल हीरो या कुछ भी आप कह सकते हैं कुछ भी नाम देना चाहें तो मैंने बहुत सारे पेड़ एक दो पेड़ लगाए हुए हैं अपने घर में और आपको बताइए मैं कितने सारे गमले रखती हूँ घर में तो एक तो शहीदों के नाम पे पेड़ लगाएं और दूसरी चीज़ दिवाली पे एक दिया उन शहीदों के नाम पे ज़रूर जलाएं जिन्होंने हमको ये आज़ादी दी है चाहे वो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे चाहे हमारे आर्मी वाले रहे आर्मी का कोई भी डिपार्टमेंट रहा उन लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस आज़ादी के लिए जिसमें हम सांस ले रहे हैं तो इस आज़ादी का महत्व समझें और एक दिया उनके नाम का ज़रूर जलाएं ये जान करके किसी न किसी के शहादत शामिल है इन चीज़ों में जिसमें हम सांस ले रहे हैं किसी ने उसके लिए अपने प्राणों की आहुति दी है तो मुझे दोस्तों बस यही मैसेज देना था लारा एक मैसेज दे चुकी है दूसरा मैसेज मेरा ये है दिवाली में शहीदों के नाम का एक दिया जरूर जलाएं।